इन दिस वे आपको मैं पूरी की पूरी इस वीडियो के जरिए जो आप लोग जस्ट ज्वाइन किया हमारी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट इनिशियल लेवल पे आप सब लोगों के जहन में होगा क्योंकि मुझे एचआर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इस एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए मुझे क्या क्या चीजों पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए, इस सारी चीजों को लेकर के आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। ये वीडियो के जरिए वो सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं, ईबुक्स स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ आपके सामने और उसके बाद फिर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन थ्रू दैट बुक मैं डिस्कस करूंगा और आप भी एक छोट शॉर्ट जर्नी में बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो लेट अस शेयर नाउ, मैं अब आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और आप प्लीज वॉच इट थॉरली, आप बहुत ही थॉरली इसको वॉच कीजिए। अभी आपके सामने दिख रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीन है आपके सामने और इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्योंकि जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सबसे फर्स्ट, क्योंकि जो आप एचआर प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हो, आप एचआर प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, क्यों आप एचआर में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो एक चीज सबसे फर्स्ट आप जान लीजिए। मुझे जहां तक ये समझ है और जो जहां तक मैं जान रहा हूँ, जो आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा फील्ड है जिसको सुन के, जिसको जिसके बारे में ऑब्जर्व करके बहुत ही अट्रैक्शन आ रहा है। आप अज्यूम करते हो जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, जो नहीं काम के जो फ्रेशर्स हैं तो अज्यूम करते हैं क्योंकि ये काम में बहुत मजा आएगा, मतलब ये एक ऐसा काम है जिस काम में मैं लंबा भी काम करूं, दिन भर काम करूं तो मुझे थकावट नहीं आएगी, मुझे थकान नहीं महसूस होगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप कैरियर वही चूज करो, प्रोफेशन वही चूज करो जिसको आप बहुत ही प्यार, मतलब जो यूजुअली फॉर यू टू सक्सेड इन अ प्रोफेशन यू मस्ट लव व्हाट यू डू, यू हैव टू एंजॉय योर वर्क सो मच दैट इट इज नॉट एन इश्यू फॉर यू टू इन्वेस्ट लॉन्ग आवर्स इन द डिलीवरी ऑफ योर रिस्पांसिबिलिटीज ऑन द जॉब। तो ये तो आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप ऑलवेज जान लीजिए जो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है लाइक अदर्स प्रोफेशन, ये भी टास्किंग है, मतलब कंबसम है, आपको बहुत ही ज्यादा इसमें भी हार्डवर्क करनी पड़ेंगे, ऐसा भी बहुत ही आसान जॉब है, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का काम करने का मतलब है जो कि केबिन में बैठा रहूंगा, अपना चैम्बर है, आराम से 9 से 6 काम करेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे और थोड़ी बहुत एम्प्लॉइज का रिपोर्ट वगैरह लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बट नॉट लाइक दैट। आप जान लीजिए जो कि जो अगर आप एचआर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए जो कि हम आगे आपको बताएंगे क्या क्या स्किल्स और एबिलिटीज आपके पास होगा जिससे गारंटी सक्सेस है, जो ह्यूमन रिसोर्स में आप सक्सेस होने ही जा रहे हो। केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, जो मुझे एचआर बनना है, मुझे एचआर बनना है तो इसके लिए पैसा अगर मैं अपने दिमाग में रख रहा हूँ, इसी पे मैं दिमाग लगाऊ तो मैं सक्सेसफुल नहीं होगा। आप ऑलवेज बिलीव करिए जो कि जो